आज भी रावलपिंडी में प्रोटेस्ट हुआ है, बड़ा प्रोटेस्ट था पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स का, और कुछ दूसरे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन ने भी स्टूडेंट्स ने उनको ज्वाइन किया। उसके बाद पुलिस एज वेल एज चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने कैटेगोरिकली बताया कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन की और हमें किसी किस्म का ये मामला वहां पे नहीं मिला। उस वक्त भी हमने कंडेम किया कि भाई अगर स्टूडेंट सड़कों के ऊपर हैं एंड दे आर सीकिंग जस्टिस फॉर द विक्टिम गर्ल, जो बाद में विक्टिम गर्ल सामने नहीं आई। पॉइंट ये है कि आपने आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, स्टूडेंट्स का एंगर बढ़ता जा रहा है। पॉइंट ये है कि जब आप स्टूडेंट पे लपकेंगे, उनको मारेंगे और उसमें से कुछ क्रिटिकल होंगे तो उसके बाद तो प्रोटेस्ट और बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्कर नैन। स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, इसे वाइड स्प्रेड नाउ पूरे पंजाब में फैला हुआ है और लाहौर मंडे वाले दिन से ये स्टार्ट हुआ था। लाहौर में जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक कॉलेज है, वुमेन कॉलेज इन गुलबर्ग, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन थी कि एक बच्ची का रेप हुआ है, गार्ड ने किया है बेसमेंट में। उसके बाद पुलिस एज वेल एज चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने कैटेगोरिकली बताया कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन की और हमें किसी किस्म का ये मामला वहाँ पे नहीं मिला। और ये इट वॉज अ फेक इन्फॉर्मेशन, ये डिसइन्फॉर्मेशन थी जो सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड की गई अल्टीरियर मोटिव्स थे स्प्रेड करने वालों के, और इस तरह से ये प्रोटेस्ट फैला, लाहौर से निकलता निकलता ये गया रावलपिंडी, रावलपिंडी अटक, अटक टू जेलम, जेलम से उधर गुजरात एंड सो ऑन सो फोर्थ, साउथ पंजाब में मुल्तान, बिहारी, साहिवाल, ये सब जगहों के ऊपर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब इसमें मेजर इशू ये है कि गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रेट अवे, और साथ में ये बताता चूं कि जो मंडे वाले दिन गवर्नमेंट ने किया, पुलिस ने किया, बच्चों पे लाठी चार्ज किया और 28 स्टूडेंट उसमें जख्मी हुए। तो गवर्नमेंट उस वक्त भी हमने कंडेम किया कि भाई अगर स्टूडेंट सड़कों के ऊपर हैं एंड दे आर सीकिंग जस्टिस फॉर द विक्टिम गर्ल, जो बाद में विक्टिम गर्ल सामने नहीं आई और विक्टिम गर्ल बकोल गवर्नमेंट के एंड द पुलिस कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये एक डिसइन्फॉर्मेशन बेस्ड सारा मामला था। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, स्टूडेंट्स का एंगर बढ़ता जा रहा है उस, और वो एंगर अपना वेंट आउट कर रहे हैं, कमिंग ऑन द रोड्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑन कैंपसेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप ने सिर्फ डंडे सोटे के साथ उनको कंट्रोल करना है, इसके अलावा हमें कोई स्ट्रेटेजी नज़र नहीं आ रही। और जब जिस तरह गुजरात में पुलिस ने मिस हैंडल किया है, 3 स्टूडेंट ज़्यादा जख्मी हैं उसमें, एक बहुत क्रिटिकल है, तो पॉइंट ये है कि जब आप स्टूडेंट पे लपकेंगे, उनको मारेंगे और उसमें से कुछ क्रिटिकल होंगे तो उसके बाद तो प्रोटेस्ट और बढ़ेगा। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? वेल, इसमें तो आपने बता दिया कि FIE को भी लगा दिया, जो डिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है उसको आपने पकड़ना है, और कुछ लोग पकड़े भी हैं उसमें आपने कहा, चाहे वो जो हैं व्लॉगर्स हों या प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हों जिनकी सिंपथीज PTI के साथ हैं, और वो इन्होंने इंटेंशनली और अन इंटेंशनली अगर ये डिसइन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया है तो उन पर हम हाथ डालेंगे। आप बिल्कुल डालें, और फिर जाहिर है कोर्ट में उसको प्रूव भी करना होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्या अभी तक आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है सिवाय इसके कि इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर और बाकी जो PML लून के ऑफिस मेन जो लीडर हैं वो उनका क्लेम है कि PTI इसके पीछे है? भाई सिर्फ ये स्टेटमेंट दे देने से या ब्लेम गेम में पढ़ने से ये मसला तो नहीं हल होने वाला, कॉमन सेंस है। आप उसमें आपकी पॉलिटिकल स्कोरिंग भी हो जाएगी, और वेल अगर हम आपकी बात मान भी लें उन वालों की PTI इसमें इन्वॉल्व है, तो भाई स्टूडेंट जो हैं, क्या सारे स्टूडेंट्स को अब आपने लेबल कर लिया है कि वो PTI के हैं या PTI के सपोर्टर्स हैं और उनको आपने मारना है? भाई कोई स्ट्रेटजी बनाएं, उनसे जाएं, चाहे वो आप कहते हैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन वाले भी हैं, अब भाई फेडरेशन वालों से मिल रहे हैं। अभी तो कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये इसको स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसको सपोर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल उसमें जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग है, इस्लामी जमीयत तलबा, वो फोरफ्रंट पे है, उन्होंने कहा कि हम सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं जो कि प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली रेड वर्कर्स फ्रंट है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव है, एंड तहरीक के लबैक का स्टूडेंट विंग है। भाई ये सारे अगर अंडर वन प्लेटफॉर्म अगर इकट्ठे हो रहे हैं या इनके बैनर थले स्टूडेंट्स अब बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे तो आपने कैसे इनको कंट्रोल करना है, सिवाय इस चीज़ को कि आप कह रहे हैं कि हमने इनको क्रश कर देना है, हमने हमने आयरन हैंड से डील करना है।
भाई वो आयरन हैंड मे 9 वालों के हवाले से आप बात कर रहे थे, उनको आपने डील किया, आप केसेस बनाए, 50-50 केसेस देके वर्कर पे बनाए, लीडर पे बनाए, उस पे तो हो गया मामला। लेकिन अब ये स्टूडेंट्स का मसला है, और स्टूडेंट के लिए आप एक ही दिमाग के साथ, एक ही माइंडसेट के साथ क्यों सोचते हैं? आपकी अपनी पूरी उसमें जो है कैबिनेट में, एज वेल एज जो और आपका कोई थिंक टैंक है, आपको कोई सजेशन नहीं देता? फॉर एग्जाम्पल, अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहबा की कैबिनेट के, राणा साहब, राणा सिकंदर, तो वो साहब जो हैं, उन्होंने अगर पंजाब कॉलेज में कैंपस, पंजाब कॉलेज के एक कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ ये खड़े होके कह दिया कि स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि वीडियो डिलीट की गई, तो हम इसको प्रोब करेंगे, और उन्होंने पंजाब कॉलेज का रजिस्ट्रेशन, उस कॉलेज का जहाँ पे ये इंसिडेंट अलेजेडली रिपोर्ट हुआ है, तो उसकी आपने रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं, आप अपोलोजेटिक हो रहे हैं, आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आप स्नब कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसको नहीं करना चाहिए था जब तक इंक्वायरी नहीं होती। क्यामत तो नहीं आ गई? उन्होंने अगर वो कर भी दी तो आज रिस्टोर भी कर दी है कि इन्वेस्टिगेशन आ गई, उसमें कुछ ऐसा मामला नहीं पाया गया, लेकिन आप बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये कह रहे हैं कि हम इसने गलत किया। क्यों भाई? अगर इंसिडेंट हो गया, चाहे ये डिस इन्फॉर्मेशन से सारा हुआ है, उसको आप तरीके से हैंडल करें। पैनिक इतने क्यों कर गए हैं और इतने खौफजदा क्यों हैं? एक मीडिया ग्रुप का अगर नाम आ गया है तो उनको भी आप इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लीन चिट देंगे। अगर वक्ती तौर पे आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने वहां पे ये बात कर दी, तो आप उसको सनाप आपको नहीं करना चाहिए।